हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बेबी बेडशीट बनाएंगे। इस बेडशीट को बनाना भी एकदम आसान है, तो चलिए बनाते हैं। बेबी बेडशीट बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए ये मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है। दो कपड़े लिए हैं, डबल कपड़ा है। कपड़ा मेजरमेंट में यहाँ से 26 इंच है, इस साइड से भी ये 26 इंच है। 26 बाय 26 का लिया है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो 28 बाय 28 या 30 बाय 30 भी ले सकते हैं। छोटा बनाना है तो 24 बाय 24 भी ले सकते हैं। तो ये कपड़ा है हमारा डबल में है, तो इस एक कपड़े को हमें इस तरह से उठा लेना है और ये सीधी साइड हमारी इस तरफ रहनी चाहिए और उल्टा साइड इस तरफ रहना चाहिए। इस तरह से एकदम सीधा करके रख लेंगे। इसके बाद जैसे हमारे पास पुरानी बेडशीट होती है, जैसे साड़ीज हैं, जहाँ हमारे दुपट्टा है, कोई भी चीज़ है हमारे पास, उसके हमें इसी बराबर इसी के साइज़ के पीस कट कर लेने हैं। तो जैसे ये मेरे पास पुरानी बेडशीट थी तो उसका मैंने ये कट कर लिया है। तो यहाँ पे स्पंज भी डाल सकते हैं अगर आप स्पंज डालना चाहें। ये एक पीस है और ये दो पीस है, तीन पीस हो गए। तीन पीस में डालूंगी। अगर आपको इससे भी ज़्यादा मोटा बनाना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो सिलाई लगानी है तो इतने पीस बहुत हैं। जैसे ये पीस है, इसी के बराबर है, इसके बराबर हमें ऐसे रख लेना है। एक पीस डाला है, दूसरा हम इसी, ये भी इसी के बराबर है, इससे भी हमें इस तरह से बराबर करके रख लेना है। एक भी सलबट नहीं आना चाहिए अंदर। इसके बाद एक पीस मैं और लगाऊंगी, ये भी हम इसी तरह लगा देंगे। यहाँ पर पुराना टॉवल है आपके पास, तौलिया वगैरह, वो भी डाल सकते हैं। ये मैंने तीन पीस अंदर में डाले हैं, तो इतना हमारा जैसे सिलाई करते हैं तो हमारा ठीक रहेगा। इसके बाद ये कपड़ा है, इसका पीस हमें इसके ऊपर ऐसे रख देना है। सीधी साइड ये रहेगी और ये उल्टा साइड ऐसे रहेगा। ये सारे पीस मैंने सेट कर दिए हैं, तो ये हमारा इतना मोटा हो जाएगा। तो इसके ऊपर हमारी जैसे मशीन अच्छे से चल जाएगी। तो अगर आपको जैसे इसको और मोटा बनाना है तो और कपड़े हमारे डलेंगे। जैसे ये मैंने तीन डाले हैं, तो आप और डालें तो और मोटा हो जाएगा, लेकिन आपकी सिलाई नहीं आएगी मशीन से, क्योंकि ज़्यादा मोटा हमारे मशीन में चलेगा नहीं। तो उसके लिए हम हाथ से सिलाई करनी पड़ेगी हमें। अगर हमें जैसे मशीन से सिलाई करनी है तो इतने कपड़े हमारे बहुत हैं। कपड़े को अब हम पिन लगा के सेट कर लेंगे। जैसे ये पिन लगाई है मैंने, चारों ओर पिन लगा लेंगे, कपड़ा हिलेगा नहीं। सिलाई लगानी है हमें, चारों तरफ लगा लेंगे साइडों में। पिन लगा के कपड़े को सेट कर दिया है। अब यहाँ से सिलाई लगानी है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ पूरे चारों ओर से सिलाई लगा के कपड़े को एकदम सेट कर लेंगे। ये सिलाई मैं मशीन से लगाऊंगी। देखिए, ये सिलाई मैंने लगा दी है, चारों ओर हमारी सिलाई लगी है, तो सारे कपड़े हमारे इसमें अटैच हो गए हैं, एकदम फिक्स हो गए हैं कपड़े। यहाँ से हमें 5 इंच पे ऐसे निशान लगाना है, आगे भी 5 इंच पे लगाएंगे। इस तरह 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये 5 इंच पे निशान लगाए और यहाँ तक ऐसे लाइन लगा दी है। इस साइड में भी हमें 5-5 इंच की लाइन लगानी है। ये मार्किंग मैंने इस तरह से कर दी है 5-5 इंच पे। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा सिलाइयाँ लगानी है तो आप छोटा छोटा ले लें, 4-4 इंच पे या 3-3 इंच पे। इस तरह से भी ये लाइनिंग मैंने लगा दी है। अब जैसे लाइनें लगाई हैं उसी तरह हमें सिलाइयाँ लगा देनी है इसके ऊपर। सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं, ये देखिए, ये इस तरह से ये सिलाइयाँ लगी हैं। तो अगर आपको जैसे ज़्यादा चाहिए सिलाइयाँ तो ज़्यादा लगा सकते हैं, और अगर आपकी मशीन नहीं चलती तो ये सिलाइयाँ आप हाथ से लगा लें, हाथ से सुई से। इसके बाद यहाँ पे हमें बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर लगाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, 3 इंच दिया है यहाँ से चौड़े में, और इसके बराबर हमें स्ट्रिप्स काट लेनी है। ये स्ट्रिप्स मैंने ऐसे रखी है इसके बराबर, अब ऐसे रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये भी हमें इसी तरह सिलाई लगानी है, पहले हम आमने सामने की लगाएंगे। ये स्ट्रिप्स मैंने यहाँ पर लगा दी है, इस तरह से लगी है। इसके बाद इस स्ट्रिप्स को हमें इस तरह से मोड़ना है ऐसे, और जित थोड़ा सा कपड़ा आधा इंच तक इस तरह से अंदर को टर्न करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड में भी ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये पट्टी मैंने लगा दी है, ये इस तरह से हमारी पट्टी लगी, दोनों साइड हमारी इस तरह से आएगी, दोनों साइड से हम यूज़ कर सकते हैं इस बेडशीट को। अब ये दोनों साइडें हैं, इनमें लगाएंगे। तो ये स्टिप्स हम जैसे यहाँ पे मैंने आधा आधा इंच इससे ज़्यादा ली है दोनों साइडों में, ये हम फोल्ड करेंगे बाद में। तो इस तरह से दूसरी साइड में भी ऐसे ही लेनी है,
और इसे हमें इस तरह से यहाँ पर लगा देना है। आधा आधा इंच हमारी यो एक्स्ट्रा ही रहेगी। तो ये स्ट्रिप्स भी मैंने सिल दी है यहाँ पर। अब ये आधा इंच हमने यहाँ पे रखा है, तो इसे हमें फोल्ड करना है इस तरह से, ऐसे। और ये हमारी सिलाई आई है, इसको मैंने अटैच किया है यहाँ पर। इसे हमें इस तरह से यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है। और ये सिलाई है जो इसके ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ये है कपड़ा जैसे एक्स्ट्रा रखा है, इसे हमें इस तरह टर्न करके फोल्ड करके यहाँ पर पूरी सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें इसी सिलाई पे लगानी है, ये इस तरह से। और ये हमारा तभी दोनों साइड में आएगी पाइपिंग। ये स्ट्रिप्स भी लग गई है हमारी, तो चारों ओर ये स्ट्रिप्स लग गई है। बेबी बेडशीट हमारी बनके रेडी हो गई है, तो इसको हम दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये मैंने स्ट्रिप्स दोनों साइड में निकाली है। फ्रेंड्स, बेबी बेडशीट हमारी बनके रेडी हो गई है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें, जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।